Hello everyone, thank you so much for coming on my channel. I'm excited to talk about this movie with you guys. So without hurting your time and feelings, let's deep dive into this. तो इस व्लॉग में ज़्यादा टाइम पास करूंगा नहीं और वैसे भी मैं दूसरे व्लॉग्स में टाइम पास करता नहीं हूं, पर मुझे यहां पे बहुत से टॉपिक्स कवर करने हैं तो मैं तुरंत टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर जॉन जैक एनर्ड, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और फैंटास्टिक मूवीज बनाए हैं, जैसे कि द क्वेस्ट फॉर फायर, द बेयर एंड वन ऑफ माई फेवरेट जो टीवी पे बहुत बार लग चुका है और अभी भी कभी कभी आता है, टू ब्रदर्स। इन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल एकेडमिक अवार्ड मूवी ब्लैक व्हाइट कलर, इसी डायरेक्टर ने 1997 में एक मूवी बनाया जिसका नाम अपने टाइटल में पढ़ी लिया होगा और थंबनेल में देखा ही होगा, सेवन इयर्स इन तिब्बत। तो स्टोरी की बात करें, ये मूवी सेट है 1939 में। एकेडमिक अवार्ड विनिंग एक्टर ब्रैड पिट, जिसने हेनरिच हेरर का रोल निभाया है, एक नंबर का घमंडी, जिद्दी, अकड़ू, खुदगर्ज और फेमस ऑस्ट्रियन पर्वतरोही स्पोर्ट्समैन, जियोग्राफर और ऑथर रह चुके हैं और उन्होंने ही लिखी हुई सेवन इयर्स इन तिब्बत, इसी बुक पे आधारित उनके लाइफ की सच्ची घटना पे ये मूवी है। तो ये अपने प्रेग्नेंट बीवी को 4 महीने में लौट के आऊंगा, ऐसे वादा करके जा रहा है। सांगता नजर आए तिरधरना आई जागावा। तो ये जा रहे हैं 9th हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ, नांगा पर्वत चढ़ने। ये क्या कुछ नहीं होता है लोगों को पहाड़ चढ़ने का, क्या तिचा माइला, तेरे को क्या करना है, हल्का होता है किसी किसी को शौक, आइचा गावा। डेविड थेलिस, जिसने पीटर अफोर्चुनेटर जो बोलना है वो बोल दो स्क्रीन पे, नाम आ रहा है, जो इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे हैं। तो जर्मनी ने ये पहाड़ चढ़ने की बहुत बार कोशिश की है लेकिन उनके हाथ में घंटा ही लगा है, इसलिए इस बार ट्रंप सरकार, इट्स द मैटर ऑफ जर्मन प्राइड। तो ये लोग शुरू कर देते हैं पहाड़ चढ़ने, पर एक वजह से इन्हें नीचे आना पड़ता है बेस 2 पे। क्यों आना पड़ता है ये आपको मूवी देखना पड़ेगा। पर बेस 2 में जाते ही ब्रिटिश सोल्जर्स इंतजार कर रही होती है और सभी पर्वतरोही को धर लेती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुकी है। ऑल एनिमी एलियंस ऑन ब्रिटिश सोइल्स विल बी ट्रीटेड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो उन्हें डेहराडून के POW कैंप में भेज दिया जाता है। वाह वाह वा, क्या बात है, कैसे और कब लगेगी किसी की कुछ पता नहीं चलेगा। आप पता है मुझे किसको ताने मार रहे थे, ठीक है मैंडी। कैंप जाते ही वो बहुत बार कोशिश करता है वहां से भाग निकलने की, लेकिन हमेशा उसके हाथ में आती है नाना चिट्टा। बस इसी कैंप में उसने उसके घर पे भेजे हुए एक खत का जवाब आता है कि उसकी बीवी ने उसे डिवोर्स पेपर्स भेज दी है, जो अगर वो साइन करके भेज दे तो वो तुरंत हॉस्ट के साथ शादी करके अपना घर बसा देगी और उसके लड़के को हॉस्ट ही उसका बाप है ऐसा लगता है। पर हाँ, हॉस्ट यही बंदा है जो उनका ड्राइवर था। अभी ये सुन के वो हो गया पंकज उदास। फिर फाइनली उसके कुछ साथी वहां से फरार होने के लिए निकलते हैं, जिनमें पीटर भी होता है और उनके साथ हेनरी भी भाग निकलता है, लेकिन वो बाद में अकेले ही अपने रास्ते निकल जाता है। कैसे ना कैसे बचते बचाते वो वहां से निकलता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई रहती है कि पूछो मत, मंदिर में से खाना चुरा के खाना पड़ता है और उसी की वजह से उसको फूड पॉइजनिंग होता है। इसी वक्त पे पीटर उसको मिलता है और उसको मेडिकेशन भी देता है और वो उसको पूछता है क्या मैं यहाँ पे तेरे साथ कैंप फायर कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो वो दोनों मिलते हैं इसके बाद पूरे मूवी के एंड तक बिछड़ते ही नहीं। अभी कितनी तो रातें और कितने तो दिन चलते चलते कैसे न वैसे तिब्बत पहुंच जाते हैं और बस वहीं रहने लगते हैं। इवन दो वहां पे फॉरेनर्स अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन तो भी उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें वहां पे रख लिया जाता है। पीटर तो तिब्बतियन लड़की के साथ शादी करके घर भी बसा देता है। और ठीक उसी समय तिब्बत में 14th दलाई लामा, बहुत ही नन्हे मुन्ने बालक होते हैं जिनमें पूरे दुनिया के बारे में जानने की और अंग्रेजी सीखने की जिज्ञासा होती है। तो बस सोने पे सुहागा, जैसे उन्हें हेनरी के बारे में पता चलता है वो तुरंत हेनरी को अपने कक्ष में बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तू मेरा इंग्लिश टीचर बनेगा और मेरे लोगों के लिए तू थिएटर भी बनाएगा। और बस उनके दोस्ती की कहानी यहीं से शुरुआत होती है और वो मरते दम तक अच्छे दोस्त रहते हैं। और इसी के बीच चाइना वेजेस अ वॉर अगेंस्ट तिब्बत, पर तिब्बत सुलह करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ बात नहीं बनती। ड्यू टू लैक ऑफ आर्म्स एंड मैन, बहुत कोशिश करने के बाद तिब्बत सरेंडर चाइना को कर देता है। They broke down the gates
और ये होने के बाद हेनरी को डर होता है कि कहीं ये दलाई लामा को ना मार दे, इसलिए वो दलाई लामा को बोलता है कि वहां से हम भाग निकलेंगे। लेकिन दलाई लामा बोलता है कि Can I help people if I run away from them? What kind of leader would I be? I have to stay here, Henry. Serving others is my path to liberation. उसके अच्छा दलाई लामा उसे बोलता है कि Then you should go home and be his father. और अपने देश चले जा क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। May all travelers find happiness wherever they go. Without any effort, may they accomplish whatever they set out to do. And having safely returned to the shore, may they be joyfully reunited with their relatives. And finally, Henry अपने घर चले जाता है और अपने बेटे से मिलने जाता है। क्या उसका बेटा उसे अपनाता है, क्या वो लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, ये सब समझने के लिए आपको तो मूवी देखना पड़ेगा। लेकिन इस सारे चक्कर में उस टिबेट का क्या हाल होता है क्या नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो ये जो स्क्रीन पे आ रहा है इसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस यही है ये इसकी इतनी सी स्टोरी। मैंने कोशिश किया बहुत छोटे में बताने के, लेकिन इस मूवी के अंदर बहुत सारा चीज है जो आप देख सकते हो और इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। तो म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक जॉन विलियम्स से दिया हुआ है। अगर आपको जॉन विलियम्स कौन है ये पता नहीं तो आपको मेरे होम अलोन मूवी को जाकर देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने आपको बताया है ये कौन है। और इसी मूवी में आपको हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन एक्टर दिखाई देंगे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है और उन्हें अपने एक्टिंग की तालीम पुणे के FTII कॉलेज से ली हुई है और वो जया बच्चन के क्लासमेट भी रह चुके हैं। अगर आपने गेस अभी तक किया नहीं या फिर आपने गेस कर लिया है तो भी मैं उनका नाम बता देता हूं, अपने कांचा सेट डैनी डेंगजोंगपा। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ टिबेट टू योर होलीनेस द 14th दलाई लामा, वी आस्क यू टू रूल योर पीपल एज द स्पिरिचुअल एंड टेंपरल लीडर ऑफ टिबेट। By your prayers and wishes, I humbly accept. अगर आपको द्रुकपा गैलोकपा ये क्या है ये पता नहीं तो आपको मेरा पर्सनल चैनल जाकर देखना पड़ेगा, उसके अंदर एक मुलबेक वाला एपिसोड है, उसका आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वाला एपिसोड देख सकते हो। वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बुद्धिस्ट की डायनेस्टी क्या है और डैनी डेंगजोंगपा एक बुद्धिस्ट फैमिली से हेल करता है। अकॉर्डिंग टू द मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, गुड न्यूज है कि इस मूवी को रेटिंग मिली है PG-13, मतलब 13 साल के नीचे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है लेकिन उसके अबाव कोई भी इस मूवी को देख सकता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे ऐसे लगता है ये एक सीन के अलावा कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है इस मूवी के अंदर और ना ही 13 साल के छोटे बच्चे इस मूवी को समझ सकते हैं, क्योंकि जो क्रुएलिटी तिब्बत में हुई ये तो इनके समझ के विपरीत है। ये मूवी सिर्फ आपके लिए ही नहीं तो आपके फुल फैमिली के लिए 2 घंटे 16 मिनट की टोटल एंटरटेनमेंट, थ्रिल, एडवेंचर, ड्रामा और अकॉर्डिंग टू IMDb इस मूवी को एडवेंचर बायोग्राफी ड्रामा बताया गया है। और जब आप ये मूवी देखोगे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो फैंटास्टिक है। इसके अंदर इतने डिफरेंट लैंडस्केप्स आपको दिखने मिलेंगे हिमालयन रेंजेस के कि आप पूछो मत। तो आपके लिए ये तो एक अलग एक्सपीरियंस और एक फंटास्टिक जो डायरेक्टर है उसने इतना अमेजिंग ये कैप्चर किया हुआ है कि आप जब देखोगे तो आप एक्चुअल फील करोगे कि आप खुद उस सिचुएशन में हो और आपको कैसे ना कैसे सर्वाइव करना है। और इस मूवी के अंदर ब्रैड पिट तो मुझे ऐसा लगता है एक बेयर ग्रिल्स ही है। अगर बेयर ग्रिल्स कौन है ये पता नहीं तो आपको जाकर डिस्कवरी चैनल देखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा मैन वर्सेस वाइल्ड में वो बंदा कौन है। अब एक्चुअल में जो रियल लाइफ में हेनरी के साथ हुआ होगा मतलब वो तो सोच के ही परेशान हो जाएंगे। अपन मूवी में देखने के लिए इतनी फटती अपनी तो एक्चुअल में कैसे कैसे सिचुएशन से निकला होगा वो तो बस नरेटेबल ही है। हाँ वो तो होने वाला है, कभी गया है क्या इस जगह पे? अगर आपने टू ब्रदर्स कभी देखा हुआ है या फिर आपको मूवी के बारे में पता है तो आप जान सकते हो इस मूवी की जो डायरेक्शन है वो आउटस्टैंडिंग है। इतना रियल फीलिंग दिया हुआ है उस मूवी को कि आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे कि भाई इतनी बड़ी किताब को उसने इस मूवी के अंदर फिट कैसे किया और 2 घंटे में उसने ये मूवी आपको दिखाया ही कैसे। तो बस इस मूवी में इतना ही। इस मूवी में से आपको कोई ना टिप दूंगा ना मैं यहाँ पे फोकट का ज्ञान पे लूंगा। जिस मूवी में दलाई लामा ही हो और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे टीचिंग इस मूवी के अंदर दिखाया हो तो मैं आपको क्या टिप दूंगा भाई। So we must show them respect and repay their kindness.
एंड नेवर नेवर हार्म एनीथिंग दैट लिव्स। मैं आपको क्या टिप दूंगा भाई, उसके अच्छा मैं बोलूंगा जब भी वक्त मिले, और इस मूवी के लिए खास वक्त निकालना चाहिए तो, क्योंकि ये फैंटास्टिक मूवी है, इसके अंदर से बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलेगी। और इसके अंदर एक हेनरी जो था और वो बाद में जितना चेंज हो गया, उसकी इमोशनल स्टेज और उसके बाद वो कैसे चेंज होता है, वो पहले कैसे था और बाद में कैसा है, इसकी पूरी जर्नी आपको इस मूवी के अंदर बताई जाएगी। इसीलिए मैंने उसके नेचर के बारे में पहले ही बताया था कि वो कैसा है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे पूरा स्टोरी आपको बताने का था कि यहाँ पे होता है क्या नहीं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे स्क्रीन पे आ रहा है वैसे घंटा दबाना भूलना नहीं। अगर घंटा दबाना भूल गए तो मुझे आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और मेरे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड शेफ।